हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे चैनल डॉक्टर दीप्ति होम्योस में बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन है, चल रहा है और जो बढ़ता है जा रहा है समय के साथ। और लॉकडाउन के दौरान एक बहुत ही समस्या, बहुत ही आम समस्या है जो कि सामने आ रही है, जिस पर किसी का ध्यान अब तक गया नहीं है, और वो है आपकी आंखों की समस्या। लॉकडाउन में इस समय स्क्रीनिंग टाइम या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल, क्योंकि ऑफिस के काम जो भी हैं या दफ्तर के काम जो है घर पर ही किए जा रहे हैं, जिसपे स्क्रीन का जो टाइम है या लैपटॉप पर बैठने का समय है वो बढ़ गया है। इसके अलावा भी मोबाइल जो, क्योंकि अब घर पे हैं तो क्या करेंगे, तो टीवी या मोबाइल के सिवा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो टीवी और मोबाइल पर भी काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है दिन का। बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी यही हाल है। इसकी वजह से आपके आंखों में परेशानियां हो सकती हैं, आंखों की परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए और उसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हो सकता है, किस तरीके के बुरे प्रभाव पड़ते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, और उसकी एक होम्योपैथी ड्रॉप के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसा कि दफ्तर में जो स्क्रीन का टाइमिंग होता था, जब हम ऑफिस में काम किया करते थे तो 6-7 घंटे का टाइम होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का टाइम होता था। लेकिन अब क्योंकि घर से काम करना है तो वो ये तो एक टाइम हो गया जो 7-8 घंटे का टाइम रहता है। इसके अलावा जो बचा हुआ समय होता है उसमें भी हम या तो टीवी देख रहे होते हैं या फिर मोबाइल देख रहे होते हैं। इसी तरीके से बच्चों की भी वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके वजह से भी बच्चे लैपटॉप में भी समय बिता रहे हैं, साथ में मोबाइल में भी समय बिता रहे हैं और थोड़ा बहुत वो टीवी भी देख लेते हैं। इससे उनका जो टाइम है, स्क्रीनिंग टाइम है, जो आंखों को जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से वो काफी बढ़ गया है, उस पर आंखों पर आपके बहुत ज्यादा असर हो सकता है। तो इस तरीके से जो आप स्क्रीनिंग टाइम दे रहे हैं, इस तरीके से देखा जाए तो 12 से 14 घंटे आप सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, जिसका असर, या एक दिन अगर ऐसा हो तो ठीक है, 2-3 दिन आपकी आंखें सह लेती हैं, लेकिन अगर लगातार कई दिनों तक इस तरीके से आप एक ही पोजीशन में बैठकर स्क्रीन के सामने अगर बैठे रहते हैं तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आंखों में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है। जब हम लगातार स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो ऐसा करने से हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर तक साफ दिखने के बाद में स्क्रीन जो है वो धुंधली पड़ जाती है, आंखों में जलन होती है, आंखों में सूखापन की या ड्राइनेस की भी समस्या हो सकती है। अगर इस तरीके की समस्या होती है तो आपको आंखों में बहुत ज़्यादा चुभन होती है, जलन होती है, आंखों में बहुत ज़्यादा भारी भारीपन सा महसूस होता है अगर आपको ड्राइनेस होने लगती है आंखों में तो। इसके साथ साथ ड्राइनेस के दौरान आपको खुजली भी हो सकती है आंखों पे। कभी कभी थोड़ी देर स्क्रीन के सामने बैठने के बाद कुछ ही देर में आंखों में से पानी निकलने लगता है, या फिर आंखें बहुत ही जल्दी लाल हो जाती हैं। तो अगर जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं, इसका मतलब आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर ये समस्या 1 महीने 2 महीने या सालों साल तक चलती रहती है तो आपकी जो पुतली होती है, आंखों की जो संरचना होती है, उस पर क्षति पहुँच सकती है, उसमें आपको किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है, तो उसका इलाज तुरंत तुरंत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ड्राइनेस की समस्या बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है तो स्थायी रूप से किसी भी दवा से उसका इलाज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब इस तरीके की समस्या होती है तो उसे ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं, और अगर कंप्यूटर या लैपटॉप की वजह से होती है तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है उसे। तो हमें हमारी आदतों को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब अगर इस तरीके की समस्या ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो जो अन्य स्क्रीन होती हैं, जैसे कि टीवी या फिर हमारा मोबाइल, उससे उन्हें दूरी करनी चाहिए या फिर उसका समय कम कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक एक ही स्क्रीन को देखने से आंखों में समस्या बढ़ सकती है। कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में काम करने के दौरान आपको बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ बहुत छोटे अक्षर जब होते हैं स्क्रीन में तो उससे भी हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा भारीपन आता है, या उससे भी हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो स्क्रीन पर जो अक्षर हैं उनका साइज़ बड़ा हो, जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे 3 गुना साइज़ बढ़ाकर उसको देखने की या पढ़ने की आदत डालें। जब भी कभी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो उसके उस एरिया में वहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, डार्क
एरिया में या फिर लाइट बंद करके स्क्रीन पर आपको ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। जब भी कभी आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि 20 से 26 इंच की दूरी होनी चाहिए आपके और आपके कंप्यूटर के बीच या फिर लैपटॉप के बीच, और कंप्यूटर स्क्रीन को कभी भी आपकी आंखों से 10 से 20 डिग्री नीचे के कोण पर आपको रख के बैठ कर काम करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। लगातार एक ही जगह पर कई घंटों तक बैठकर आपको वर्क नहीं करना है, बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। रोशनी का विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना है। आँखों को आराम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी कभी कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा देर तक बैठकर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको, या 2 से 3 घंटे जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या फिर आप भी लगातार 2-3 घंटे तक अगर बैठ रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको 30 से 60 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए या फिर झपकी लेनी चाहिए। ना अगर इतनी देर आप ले पाएँ तो 20-15 मिनट तो कम से कम आपको आपकी आँखों को आराम देना चाहिए। उसे बंद करके थोड़ी देर के लिए आपको बैठ जाना चाहिए एक जगह पर, उससे आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा मात्रा में आराम मिलता है। और ये भी कोशिश करें कि जब बच्चे पढ़ाई कर चुके होते हैं, यहाँ तक कि बड़े भी, अगर स्क्रीनिंग टाइम अगर उनका हो जाता है तो उसके बाद अन्य कोई स्क्रीन ना देखे, जैसे टीवी पे ना लग जाए या फिर मोबाइल पर ना लग जाए, तो इससे भी आपकी आंखों का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मोबाइल का भी समय घटाना है। फ़ोन जब जब बनेगा तब तब आप उसे उठकर देखते ज़रूर हैं। किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं सोशल मीडिया के या फिर मैसेंजर के नोटिफिकेशन की, जैसे ही भी बजती है हम तुरंत जाके मोबाइल देखते हैं। तो जितना ज़रूरी होता है वो नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ठीक है, अदरवाइज जो इन जनरल हमें मैसेजिंग आती हैं या नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको बिल्कुल बंद करके रख दीजिए अगर जरूरत नहीं है तो। सेम लैपटॉप के साथ ही जैसा करते हैं वैसे ही आपको मोबाइल को भी देखने के टाइम पर रोशनी का ध्यान रखना चाहिए। आंखों से काफी दूरी पर आपको मोबाइल अपना रखना चाहिए, एकदम नजदीक रख के मोबाइल नहीं देखना चाहिए। साथ ही साथ उसको अगर थोड़ा सा नीचे के एंगल में अगर आप मोबाइल रखते हैं तो आपकी पलकें बार बार झपकती रहती हैं, जिससे कि आपके आराम आपकी आंखों को आराम मिलता है। ऐसे बिल्कुल आंखें खोल कर टकटकी लगाकर आप मोबाइल को नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा नीचे के एंगल में आपको रखना चाहिए। उजाले का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उजाला होना चाहिए। अगर किसी से ज़रूरी बात करनी है तो मैसेजिंग को आप अवॉइड करिए उस समय, और कॉल पर आप बात कर लीजिए, क्योंकि मैसेजिंग में भी आपको काफ़ी देर तक मोबाइल को देखना होता है तो उससे भी आंखों में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कॉल पे आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप स्क्रीनिंग टाइम आपका कम कर सकते हैं और आपकी आंखों को आराम दे सकते हैं। टीवी का भी समय तय करना चाहिए। सुबह सुबह टीवी ऑन मत करिए, सुबह सुबह टीवी ऑन कर देते हैं, सुबह से ही बच्चे टीवी देखने बैठ जाते हैं और सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, तो सुबह टीवी बिल्कुल भी ऑन मत करिए। सारा सारा दिन आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। जब भी आप कभी टीवी देख रहे हैं तो बीच बीच में आपको आपकी आंखों को आराम देना चाहिए, थोड़ा सा आंखें बंद करके आपको बैठना चाहिए। जब विज्ञापन या फिर एड वगैरह चल रही होती है उस समय आप आंखों को बंद करके बैठ सकते हैं, उससे आपकी आंखों को काफ़ी आराम मिलता है। जब भी आप कभी टीवी देख रहे हैं तो तेज़ तेज़ आपकी आंखों की पलकों को झपकाना चाहिए या फिर उनको रेस्ट देना चाहिए, या तो आप बंद करके बैठ जाइए या फिर तेजी से पलकों को झपकाना चाहिए। इससे भी आपकी आंखों का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, उस पर वजन नहीं पड़ता है और उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। कुछ उपाय घर में आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, और इसके अलावा आपको पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके बॉडी को मिनरल्स या विटामिन मिलते हैं बल्कि आपकी आँखों में भी नमी बनी रहती है। आपकी आँखों पर भी ये बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट डालते हैं, आपकी आँखों में मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करते हैं। आंखों को आराम देने के लिए आप खीरा, आलू या फिर एलोवेरा को भी आप आपकी आंखों पर रख सकते हैं। एलोवेरा के पतले पतले टुकड़े काटकर आप आपकी आंखों पर सुबह, दोपहर, शाम या जब आपको टाइम मिले तब अपनी आंखों पर रख सकते हैं। ये भी आपकी आंखों को नमी देने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे आपकी आंखों को बहुत आराम मिलता है, ठंडक मिलती है, साथ में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हो सके तो बीच बीच में आपकी आंखों को फिल्टर युक्त या फिर साफ सुथरे पानी से बीच बीच में धोते रहें। अगर बहुत ज़्यादा आंखों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है तो डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। तो इस तरीके से आप आपकी आंखों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ होम्योपैथी में एक आई ड्रॉप आता है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसका नाम है सिनेरिया मार्टिमा। ये शोबे कंपनी का भी आता है और ऑनलाइन ऑर्डर भी आप इसे कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन इसे देख लीजिएगा कि किस तरीके से उसके कैसे प्राइस हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब भी कभी आपको आंखों में दर्द होता है, खुजली, जलन हो रही है तो आप उस आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और
अगर हर एक घंटे में, अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप हर एक घंटे में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा आई ड्रॉप है, इसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं, तो इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, अगर उसकी कोई किसी तरीके के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। एक बार आप आपके डॉक्टर से सलाह लेकर इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखें और खुश रहें, और इस लॉकडाउन में अपनी आंखों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। धन्यवाद।